स्टेशन निकल चुके हैं और बहुत मशक्कत हो गई मेरे लिए। गंदी चीजें पीते हो क्या? अरे मसूरी पहुंचने के लिए पहले मैं पानी जा रही। स्टेशन पर यार मेरी ना ये सबसे बड़ी गलती है, मैं ज़्यादा सामान ले आता हूँ और फिर मेरे से उठाया नहीं जाता और ये बहुत भारी हो चुका है। अगर सीट मिल चुकी है ऊपर मेरे से। दोस्तों हरिद्वार, यार मुझे हरिद्वार स्टेशन की ये फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी। बस 30 रुपीज़ में रूम है, आराम से वेट करो, वेटिंग रूम है, बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल है। फ़ोन वोन चार्ज कर लिया, फ्रेश भी हो गया हूँ। अब मेरी ट्रेन है नेक्स्ट 1 घंटे बाद, तो देहरादून निकलेंगे हम। सुबह के बज रहे हैं 5 और अब मेरी आ रही है मसूरी एक्सप्रेस, जिसमें बैठ के मैं देहरादून जाऊँगा एंड देन मसूरी जाऊँगा। भाई बहुत देर से वेट कर रहा था, 1 घंटे से वेटिंग रूम में वेट कर रहा था, तो ट्रेन आ गई है मेरी और बैठ गई। ट्रेन आ गई है मेरी, वो देखो आ रही है ट्रेन। बस जल्दी से बैठना है, पहुंचना है यार। इतना हसल करना पड़ रहा है मसूरी पहुंचने के लिए। पहले मैं लखनऊ पहुंचा, उन्नाव स्टेशन से लखनऊ स्टेशन, फिर लखनऊ स्टेशन से हरिद्वार स्टेशन, फिर हरिद्वार स्टेशन से वेट, फिर हरिद्वार स्टेशन से दुई वाला स्टेशन, और अब यहाँ से परमिति आएंगी, वो मुझे उठाएंगी, मतलब यहाँ से मतलब लेवाएंगी, पिक करेंगी और फिर देहरादून स्टेशन छोड़ेंगी, फिर देहरादून स्टेशन से मसूरी बस स्टॉप, मसूरी बस स्टॉप से मसूरी, फिर वहाँ से कोई स्कूटी लूँगा रेंट पे या फिर कुछ भी करके, देखते हैं आगे का। तो इतना हसल करना पड़ रहा है पहुँचने के लिए भाई साहब। तो गाड़ी आ चुकी है, अब मैं बैठूँगा और पहुँचूँगा कौन सा स्टेशन, देहरादून बस स्टॉप। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आ गया गाइस, ये है अनु। हेलो गाइस, ऊंचा हो गए सोए जेवड़े आप जाने, बाजे नाद अनेक असंका, केते वावन जति सती संतोखी, गावन पंडित बन रखी मनमोहन, सुरगामश पयाले, गावन रतन उपाय तेरे, आठ साठ तीर्थ नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खंड मंडल वर भंडा, कर कर रखे तारे, सेई तुदनु गावे जो तुद भावन, दत्ते तेरे भगत रसल, केते देव दानु मुन के। बस में बैठ चुका हूँ भाई साहब, बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, वहाँ से चल के आया मैं, फिर बस में बैठा, बस में लगेज रखा, इतना भारी है, उसको उठाने में भी बहुत ज़्यादा दम लगता है। तो अभी मुझे 2 घंटे या 1.5-2 घंटे में पहुँचा देगी मसूरी, 1.5-2 घंटे में मसूरी पहुँचा देगी, और फिर वहाँ से एक और नया सर, फिर वहाँ से थोड़ी और दूर जाना है, जैसे 3 किलोमीटर और दूर है मेरी डेस्टिनेशन। मिलते हैं। दोस्तों मैं मसूरी तो पहुंच चुका हूं, लेकिन भाई साहब बहुत ज़्यादा थक गया हूं, क्योंकि अब मुझे यहां से 7 किलोमीटर पैदल जाना है और ये तो भाई बहुत मशक्कत हो गई मेरे लिए, इसलिए मैं जाऊंगा सर के रेस्टोरेंट और फिर वहां से देखते हैं हम कुछ। थक हो गया गाइस, इतना भारी बैग आ गया, बैग भी बैग नहीं दिख रहा है, इतना भारी बैग खींच के तो मैं थक गया हूँ भाई साहब। रेडियो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आरजे संजू मिल चुके हैं हमें, कैसा लग रहा है संजू, आप इतनी बड़ी हस्ती से मिलने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? आप मिल रहे हैं इतनी बड़ी हस्ती से, बताइए कैसा फील हो रहा है? कितना काला लग रहा हूँ मैं। अरे हाँ, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया कि तुम काले हो गए। पानी जी, ये सब क्या गंदी चीज़ें पकड़े हो, ये सब क्या गंदी चीज़ें पकड़े हो, गंदी चीज़ें पीते हो क्या? पानी यार, तुम यार कर दो यार ब्लॉग एंड, तुम अच्छा, तुम्हारी आवाज में सुर है। चलो यार पानी, प्लीज एक बार बोल दो ना कि आज के ब्लॉग में बस इतना ही,
और कल मिलते हैं, एक नई दिन की शुरुआत करेंगे। जैसे तुम अपना दगड़िया बोलते हो, प्लीज़ एक बार बोलो ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ फिल्टर लगाओ पहले। अभी इतना ही फिल्टर है, अभी ज़्यादा नहीं लगता है। दगड़ियों गढ़वाली में बोल दे भाई, गढ़वाली में। हाँ तो दगड़ियों आज, हाँ आज तो दगड़ियों आज, आज के लिए बस इतना ही। तो दगड़ियों वो मिल रहा था नई दिन में नई सुबह के साथ, तब तक नमस्कार, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय।